सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग चैनल इंदौरी ब्लॉग्स। आपको पता है सभी भाई लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे तुम्हारा भाई की तरह। भाई अभी सुबह की बज रही है 12, अब डिस्टर्ब मत करना ठीक है। सुबह का बज रहा है 12, तो हमारी भाभी जी पहली बार हमारे घर पर आई थी, मतलब आई है, तो उन्होंने हमारे लिए भजी है और खीर बनाई है। सब लोग बैठ कर खा रहे हैं, बढ़िया। पापा ने खा लिया, भैया भी खा रहे हैं, भाभी सबको परोस रहे हैं, मम्मी सामने बैठ के एंजॉय कर रही, सबको देख रही है, और अपना इधर भजिया वगैरह रखे हैं, तो अपन खाते हैं और एंजॉय करते हैं। मिलते हैं आगे आप लोग। कहाँ है तीन गाइस? और हेलो गाइस, वीडियो बना रहे तीन फोन आए हैं तो हमारे तीन कहाँ है? दे दो दिखा के, तीन बोल रहा तो ये वाला है, तो इधर दिखाना। इधर तूने भजिया खा लिए? नहीं खाए। क्यों, अब खाएगा? किसने बनाया ये तो बता दे। मम्मा ने बनाए। खीर किसने बनाई? मम्मा ने बनाई। मम्मी ने बनाई। कैसी लग रही? यम्मी लग रही। खीर कैसी लग रही? क्या ये तो पागल है, ये तो पागल है, पता नहीं क्या क्या फेंकता रहता। हट भाग उधर। हेलो गाइस, ये लोग ऐसे करता रहता है तुम्हारा दिन भर। भाग, हेलो गाइस, हां रख दो। हेलो गाइस, और बोल आगे। चलो गाइस तो शांति दो अभी। तो भाई लोग अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, ठीक है। हम लोग मस्त बैठे थे, अभी आपने आशीष जी आए, फोटो वगैरह सबको दिखा रहे हैं, सिलेक्ट करवा रहे हैं। भैया देखना, दिख रहा ना कैमरे में, देखना। तो भाई लोग क्या है कि फोटो तो सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो लंबा छोड़ा बिल फाड़ दिया अपने ऊपर यार। बोल रहे 3000 फोटो लेके आ गया, बोल रहे ना, बोल रहा फोटो देखो अच्छा दिख रहा रखना है ये। हाँ वो पहले वाला रखना, पहले वाला। भाई सैलरी सारी फोटो वगैरह शानदार, ये वाला फोटो प्यारा लग रहा है आपका। ये रखना ठीक है भाई, ये रख लिया गाइस। चलो भाई लोग फोटो रख लिया है, ये सिलेक्ट करवाते हैं, बस एंजॉय करते हैं अपने वेडिंग। ये ककड़ी थोड़ी सी और है क्या आगे, देखना और है क्या मामा, क्या बोलने देते ही नहीं यार मेरे को यार। सो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 1:00 बज रहे हैं अभी फिलहाल की कंडीशन में। तो भाई लोग कल अपन ने पूरे दिन भर व्लॉग नहीं किया क्या, क्योंकि यार देखो फोटो वगैरह वाले सिलेक्ट करवाने वाले आ गए थे, तो हम लोग फोटो वगैरह सिलेक्ट कर रहे थे, उसके उस चक्कर में टाइम मिल नहीं पाया, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। संडे का दिन रहता है तो संडे का दिन कहीं जाने को बाहर मिलता भी नहीं है, इच्छा नहीं होती कहीं जाने की बाहर। तो आज सोच रहे कहीं निकला जाए थोड़ा बहुत घर से बाहर, क्योंकि बहुत दिन हो गए कहीं मैं घूमने भी नहीं गया, ठीक है। तो अपन सोच रहे कि नहा धो के बढ़िया से घूमने निकल जाते हैं बढ़िया, और आपको भी इंजॉय करवाते हैं और अपन खुद भी इंजॉय करते हैं, ठीक है। चलो अपन अगर चलते हैं तो मैं मिलता हूँ आपको आते रास्ते में, नहीं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घर पर मज़े लेंगे, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं आगे। तो भाई लोग फाइनली अपन आ गए हर्षित भाई के वहाँ पर। भाई तू काला काला दिख रहा है यार भाई, लोकेशन देख इधर से ले। हाँ इधर गोरा, अब आगे गोरा, अरे तो पलट ही गया पूरा। अरे भाई इधर आ सामने यार। तो भाई लोग अपन आ गए हर्षित भाई के यहाँ पे, और अपन चल रहे थोड़ा बहुत घूम फिर के आते हैं, क्योंकि अपना घर पर मन लगता नहीं, तुम लोगों को भी मालूम अच्छे से कि अपना घर पर मन लगता नहीं, तो अपन चलते थोड़ा बहुत घूम फिर के आते हैं, मजे लेते हैं जीवन के। चले हर्षित बाबा, चलो चलो मिलते हैं भाई रास्ते। एक मिलियन व्यू। ओ भाई साहब बच गए दादा, नहीं तो तुम मेरे को भी निपटाए थे, तुम भी निपट जाते, तुम भी निपट, तुम्हें भी निपट जाता। ये भाई साहब क्या भी ठुकाया थे हम, ये और मैं दोनों पीछे से आ रहे, फिर भी नहीं देख रहे यार, हम तो आगे चल रहे हैं, हमको तो क्या है। तो भाई लोग ये है अपना इंदौर का एयरपोर्ट, यहाँ से सारे सेलिब्रिटी आते हैं, सारे सेलिब्रिटी जाते हैं घर को अपने, जिस तरह हम कल
तो रोज ही आते जाते हैं घर अपने। ये रहा एयरपोर्ट, अंदर जाने की परमिशन नहीं, पैसे ले लेते साले खाऊ। ये देखो बाबू सोना और निरोना, जाओ छपरी निपिस एंड छपरी निपिस। अरे किशनपुरा के पुल से जैकेट उठा लाएंगे 150-200 रुपये वाली, चप्पल पहन के आ जाएंगे और 50 का पेट्रोल डलवा के 1000 रुपये का भाव खाएंगे। हाँ हाय ब्रो, ब्रो शर्मा गया ब्रो शर्मा। मौसम बहुत सही साठ हो रहा, कुछ भी बोले ऐसे मौसम में घूमने मतलब आनंद अलग है, बहुत भाई पानी आ गया पहाड़ माता की टेकरी। अगर समय मिला तो वो आएंगे ऊपर, नहीं तो अपन पितृ पर्वत के दर्शन कर लेंगे। बढ़िया भाई लोग, हम लोग जा रहे थे बढ़िया घूमने, थोड़ा सोचा था कि हम लोग थोड़ा घूम फिर लेंगे बढ़िया तरीके से, थोड़ा बहुत आप लोगों को इंजॉय करवा देंगे, मगर हम आए हो इधर देखो मामले ही खत्म हो गए। पूरे तैनात वाली बारिश चालू हो गई, पता नहीं ये क्या खबरा वबरा, यहाँ पे हम लोग रुके आके, सारी पब्लिक वगैरह भी रुकी हुई है। हम सोच रहे थे कि मतलब थोड़ा बहुत घूम फिर लेंगे यार, मगर मामले ही खत्म हो गया अपना पूरा, बारिश ने मामला बिगाड़ दिया पूरा। इतनी तेज बारिश हो रही है मेरी आवाज़ भी ढंग से नहीं आ रही, बुझा पता नहीं कब तक वेट करना पड़ेगा यार। तगड़ी वाली बारिश, यहाँ तक पानी आ गया, भरा जाएगा। ये तो वो वाले आलोक है संजू वाले बोलो पानी आ रहा है, संजू वाले आलोक है संजू वाले भाई लोग। हम लोगों को यहाँ पे खड़ा खड़ा होगा एक घंटा तक, हम एक घंटे से ज़्यादा ही हो गया भाई, बारिश इतनी तेज आ रही है इसकी कोई जवाब नहीं। तो भाई कैसा लग रहा है अभी? अरे बिल्कुल खतरनाक, उधर देखो तेज, बोलो तेज, उधर देखो उधर दिख रहा है कुछ? सामने को दिखने दिख भी नहीं रहा भाई, सामने को दिख नहीं रहा, मजे आ गए। मतलब आज वीडियो लंबी हमको ज़्यादा भारी पड़ गई, अब खड़े हुए हैं देहात वाले, हम भी खड़े हैं देहात वाले, हमको देख रहे बोले घर क्या रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत दिनों बाद देखने को मिलते हैं कागज की नाव भाई, नाव तैरा रहे हैं छोटे छोटे पानी में। भैयू कोने पे आ गई तेरी नाव यार, क्या भैयू? ओ भैयू कोने पे आ गई, कोने पे नाव आगे पहुँचाओ उसको, आगे 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 पहुँचाओ आगे। अरे डूब गई एक नाव तो उल्टी हो गई। तो भाई लोग पहले जब वहाँ से निकल चुके हैं, चालू करके तो मतलब पिछली बार तो रुकना चल रही है मंदिर भाई, मतलब आनंद तो आ रहा है, ठंड लग रही है बाबा, बहुत आनंद, ठंड लग रही है के साथ साथ उतनी ठंड लगने का अनुभव यहाँ पे हो रहा है, बहुत ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा ही। अपन चलते हैं बढ़िया कोई सी दुकान पर रुकते हैं, मत कुछ चाय वाय पीते हैं भाई, सुट्टा उट्टा लगाएगा नहीं पीता क्या? चलो भाई कोई सुट्टा नहीं पीता हमारे इसमें, तो हम दोनों में पारिवारिक लोग हैं हम। हाँ तो हम लोग क्या है कि बढ़िया हम चाय वाय पीएंगे, एक नंबर चाय वाय इन्जॉय करेंगे, थोड़ा आगे डेस्टिनेशन तक चलेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि हाँ भाई देख लेना चल के, मैं कुछ नहीं बोल रहा देख लेना। तो भाई लोग हम लोग रुक गए एक होटल में बढ़िया सी, वहाँ से चाय वाय गरम गरम पोहे बन रहे हैं, पोहे तो नहीं बन रहे, पोहे तो सुबह के बने रखे, पोहे गरम तो हो रहा है, ये पोहे तो सुबह के बने रखे, मतलब चाय गरम गरम बन रही, चाय पी जाएगी बढ़िया अपनी, एक नंबर इन्जॉय करा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आके जाके घूम के आते हैं थोड़ा बहुत। दाम दिखाओ 40 रुपये किलो है। अरे बगा तो चाय भी दे दी, बोलते सही ले ना, एक और दे रहे एक और ले लो। ये भाई लोग भी अपने पास चाय इन्जॉय कर रहे हैं, चलो बेटा लिया फटाफट लिया बेटा लिया। भाई लोग हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, चाय वाय पी लिया हमने बढ़िया, तो मौसम हो गया है साफ बिल्कुल और हो गया है पानी भी बंद, तो हम लोग निकलेंगे थोड़ा दर्शन वर्शन करेंगे बाबा के, और फिर उसके बाद में ये देखो ना भाई माहौल देखो पूरा तैनात हो चुका है, एक नंबर है तेरा होटल, यहाँ पर चाय पी थी हमने बढ़िया बढ़िया। यहाँ से निकलते हैं सामने घूमटगिरी, तो वो ऊपर दिख रहा होगा वहाँ पर वो माता जी का मंदिर है, हुआ तो वहाँ भी चले जाएँगे, और नहीं हुआ तो वहीं से होते जाएंगे।
दिखाओ इधर नीचे नीचे दिखाओ नीचे पानी दिखाओ इधर देखो पिंटर पर्वत जो है आने वाला है नकली हमारे आयुष आयुष भैया जो है गाड़ी चलाते हुए भाई नया मोबाइल ध्यान रखना गिरा मत देना और ये हमने स्टार्टिंग कर दी है चढ़ने के लिए बहुत बढ़िया अब गाइड से पूछो गाइड यहाँ तक रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे गाइड यहाँ से स्किप कर देंगे हमारे वीडियो देखते ही नहीं गाइड तो देखो गाइस अगर आपने अभी तक पितृ पर्वत नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि इस मौसम में यहाँ आने का एक अलग ही मज़ा है क्या लगेगी और इसी ब्लॉग के साथ हमने आयुष भैया से जो है बहुत कुछ सीखा है और यहाँ पर हमें रोका गया है पार्किंग के लिए अभी हमसे 10 रुपये लेंगे 5 रुपये लेंगे सॉरी ये देखिए हम आपको बता रहे हैं तो भाई देखो ये निकाल लिया अपन ने 5 रुपये अपनी जेब में से और ये बहुत जूम हो गया ये मैंने किया ये लो भाई 5 रुपये ये भाई अपने से पार्किंग के पैसे ले रहे हैं भाई पहले तो लगते नहीं थे यार अब लेने लग गए तुम 1 साल हो गया चलो ठीक है भाई तो भाई लोग अपन ने दे दिए यहाँ पे पार्किंग के 5 रुपये ये अपने को स्लिप दिए इनने अपन चलेंगे सामने वाली घाटी से इधर चले क्या बोलता है लंबे रूट इधर चलते हैं हमको याला रूट ज़्यादा पसंद है क्योंकि थोड़ा क्या है घाटी वाटी वाला है ये वाला रूट कैसा यहाँ से पूरा घूम के जाएगा ऊपर से और वो उधर बाबा की मूर्ति है अभी यहाँ से दिखेगी नहीं ऊपर जाके ही दिखा पाऊँगा मैं मतलब भाई मैं मतलब आज से वैसे तो मैं पहले आया इसके पहले भी अभी कुछ दिन पहले आया था ना मैं तो यहाँ पर पार्किंग के पैसे मैंने तो नहीं दिए थे शायद लग रहे होंगे नहीं नहीं भैया अपनी किसी ने भी नहीं दिए थे क्योंकि हमने तो पैसे दिए नहीं आके पार्किंग के अभी तक मगर ये पहली बार ही दे रहा हूँ चलो ठीक है दिक्कत नहीं है जितना सारा मेंटेनेंस भी करते हैं तो 5 रुपये पार्किंग के बनते हैं कोई इशू नहीं है मेरे सांसें भरने लगती है अभी तक इतनी से दूर चढ़ा हूँ बस में भाई ये कुछ देर बाद भाई लोग आज की बात बताऊँ यहाँ इधर है ना बहुत सारे लोग बैठते हैं उधर घुस जाते हैं श्री पितवेश ओ गई अबे देगा नहीं गाड़ी मगाड़ी मारी करेगा उठा लिया पन्ना वापस ये लिखा श्री पितरेश्वर हनुमान धाम पार्किंग 5 रुपये 2 व्हीलर चढ़ाई के नहीं अपने से हमने प्रिपेयर करा था लंबा छोटी गंगा लहरें छोटी गंगा हमने प्रिपेयर करा था कि हम थोड़ा लंबा रूट से जाएंगे मगर हमारी हो गई है हालत खराब टाइट कार होती तो कार सीधे ऊपर आ जाती यार हे प्रभु मैं तो बैठ रहा हूँ इधर ही थक गया भाई मैं बहुत ज़्यादा बाकी यहाँ से नज़ारे बहुत अच्छे दिख रहे हैं देखो दिखाता हूँ मैं ऊपर से ज़्यादा अच्छे दिखेंगे यहाँ से भी दिखाता हूँ देखो देखो हम लोग काफ़ी ऊपर तक पहुँच चुके हैं अब सामने जो दिख रहे हैं वो सामने आपको बाबा के दर्शन हो गए सामने जस्ट मैं आपको पास से जाके और दिखा देता हूँ इसका कुछ है ना धार्मिक मान्यता थोड़ा राज भी है कुछ चीज़ें जो आपको बहुत सारी चीज़ें गूगल पे देखने को मिल जाएगी और कुछ चीज़ें मैं अभी आपको आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहाँ पे क्या क्या है और ये मतलब इंडिया की पहली मूर्ति है इसका इतनी बड़ी भी है और जो इसका जिसका मटेरियल है उस चीज़ में ये सबसे यूनिटी नहीं भाई अरे यूनिटी है तो ये इंडिया की सबसे बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की ठीक है ये पितरेश्वर हनुमान धाम है सबसे बड़ी मूर्ति बनी हुई है अपन इधर शॉर्टकट से निकल चल देते हैं कौन जाएगा लंबा हाँ देखो बाबा का दर्शन कर लो आप लोग सब ओ जाओ देखो इधर भी बिजनेस चालू क्या यार भगवान की जगह भी नहीं छोड़ते जय हो प्रभु की शानदार आनंद बहुत आनंद आनंद आ गया तो भाई लोग समझ जाना
कृपया अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, ठीक है भाई। सामान मतलब जो पर्स वगैरह लाते हो ना, गाड़ी की शादी वगैरह उसका बोल रहा हूँ मैं। तो जैसा कि गाइस आप लोग देख रहे हैं, मुझे अभी अभी पता चला है कि सुविधा घर मतलब टॉयलेट होता है। सुविधा घर मतलब टॉयलेट होता है, सही है ना। आपकी सुविधा के लिए एक घर बनाया गया है जिसमें आप जाके अपना काम कर सकते हैं। तो भाई लोग ऐसा ही रहता है यार, क्या कर सकते हैं। देखो सुविधा मतलब क्या, सुविधा एक वही चीज़ होती है सब सुविधा, बाकी तो सब कुछ ओपन में कर सकते हैं ना बाबा। सुविधा का मतलब कुछ और भी तो होता है। ठीक है भाई, बाय। भाई मेरे को आवाज़ तो मेरे को बहुत देर से आ रही है, मतलब कोई स्पीकर ही नहीं दिख रहा। किधर किधर सामने कोई गा रहा है क्या सामने? भाई हनुमान, वो पितरेश्वर हनुमान धाम के पीछे भी एक और मंदिर है, ये भी इधर भी मंदिर है। बाकी यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है सारा। अच्छा इधर भजन संध्या चल रही है, बढ़िया। पहले आप लोगों को मोर दिख रहा है क्या? जंगल में मोर नाचा मैंने देखा। दिखा दिख गया। बाकी इसके आसपास पानी वानी भी भरा हुआ टंकियों में, पता नहीं क्या क्या पानी है ना। अबे क्या लग नहीं मान रहा भाई मेरे को। ये यहाँ की मतलब पूरे इंदौर की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह भोपाल वगैरह में भी देखा है। मैं भोपाल वगैरह में भी गया हूँ, मतलब और दूसरी जगह भी गया हूँ ना। मतलब अपने को अपने इंदौर के अलावा मतलब और सारी जगह ये सारी चीज़ें नहीं दिखती है। सारे बोर्ड वगैरह लगाए रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है यार भाई। स्वच्छता का सब दूर ध्यान रखना चाहिए, भले कोई सी भी जगह हो, चाहे वो इंदौर हो, क्योंकि अपने को देखो पूरा इंडिया क्लीन करना है, ठीक है। एक इंदौर पर्टिकुलर इंदौर की बात नहीं है, हाँ तो मैं बोला था अपने पर्टिकुलर इंदौर की बात नहीं है कि अपने को इंदौर क्लीन करना है, अपने को पूरा इंडिया क्लीन करना है। तो भाई लोग ऐसा है कि कोई भी देख रहा हो अगर वीडियो बाई चांस कहीं से भी देख रहा हो, तो अपने अगर भाई चलो ठीक है आपकी गवर्नमेंट नहीं लगवा, मगर आपके घर में तो आप डस्टबिन रख सकते हो ना। डस्टबिन का भाई उपयोग करो, और बकायदे जहाँ कचरा डाला जाता है वहीं पर कचरा डाला करो, क्योंकि ये अपने देश के लिए बहुत अच्छा है, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है, पॉल्यूशन कम रहेगा। और फिर भी कहीं डस्टबिन ना मिले तो हमारा आयुष भाई का दिल बहुत बड़ा है और जेब उससे ज़्यादा बड़ी है, कृपया इनकी जेब में आकर के कचरा डालें। सौभाग्य की बात है, सौभाग्य। दिखाइए वाले आश्रम में केक कट कर दिया इसने। भाई लोग फाइनली अपन लोग यहाँ से जा रहे हैं, अपन ने बढ़िया दर्शन वर्शन कर लिए सारे मंदिर वगैरह, सारे एक्सप्लोर भी कर लिया, पीछे तक का पूरा घूम फिर के आ गए। भाई मैं ही बोल रहा हूँ सर, उतरने में कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अब निकला जाएगा घर, क्योंकि पानी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। संभावना नहीं मतलब कन्फर्म है कि गिरने ही वाला है वो, तो इसलिए अब सोच रहे हैं कि निकला जाए फटाफट यहाँ से, कुछ जितनी पूर्ति हो सके जितनी फटाफट जा सके उतनी फटाफट जाएंगे, ठीक है। तो भाई लोग आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, तुम्हारा वैकेशन को सब्सक्राइब कर देना और घंटे का बटन जरूर दबाना, ठीक है। मिलते हैं किसी अच्छे ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। तुम्हारा वैकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है भाई, बाय बाय।